छू लिया तुम्हें लब से आंखों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ही होंगे। थंबनेल और जो पहली इंट्रू जो वीडियो चली वो तो आपने देख ली होगी। तो आज हम नई एक वीडियो बनाने वाले हैं एक पिक्चर के ऊपर। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में जा रही है इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे और स्नैप पे, और जो ये लगा रहे हैं उनके अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन है क्रेन मास्टर। अगर आपके पास क्रेन मास्टर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, या मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और बराए मेहरबानी जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल लाइक ऑल पर प्रेस किया करें, क्योंकि ऐसे ही हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मैंने दूसरे चैनल का भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाके अपना प्यार दिखाएँ, उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो मैं वहाँ पर इंटरव्यू बना रहा हूँ। तो कैसे बनाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ से हमने क्रेन मास्टर को ओपन करना है। तो हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो ये इसका थोड़ा इशू आ रहा है आजकल, ये थोड़ा सा लेट ओपन होता है। तो यहाँ से करेंगे कट। अभी हमने क्या करना है, ये न्यू पे करना है क्लिक। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ हमने 9:01 पर कर लेना और यहाँ से करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हम अपनी बैल की गैलरी में चले आएंगे। यहाँ से आपने कोई भी एक इसका बैकग्राउंड जो है वो ले लेना, कमो पेश भी आपने 7 सेकंड तक कर लेना। इसको करने के बाद कट करेंगे, कट करने के बाद पीछे आएंगे और जितना भी इसके ऊपर मटेरियल लगेगा मैं उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप उसको डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। चलो अभी हमने क्या करना है, यहाँ लेयर पर जाना, लेयर पर जाने के बाद मीडिया पर जाएंगे। मीडिया पर जाने के बाद अभी हमने यहाँ से एक फ्रेम है, ये आपने यहाँ से फ्रेम ले लेना। तो इसको कर देना हमने बिल्कुल इसकी लेंथ कर देना इसके बराबर। करने के बाद पीछे आएंगे, पीछे आने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ जाना और इसको हमने फुल स्क्रीन कर देना। जैसे आपने इसको फुल स्क्रीन करना है, यहाँ कट करेंगे, कट करने के बाद यहाँ से कट करेंगे हम एक मरतबा फिर लेयर पर जाएँगे और यहाँ मीडिया पर जाएँगे। मीडिया पर जाने के बाद अभी हमने यहाँ पर ये दी हुई है तो इसको भी आपने यहाँ से फुल कर देना। तो अपने आप ये खुद बहुत ये बिल्कुल बेस्ट आ जाएगी। इसकी भी लेंथ आपने इसके बराबर कर देनी है जितनी इन सब की लेंथ है। यहाँ से करेंगे कट, कट करने ऊपर करेंगे थोड़ा सा, इसकी भी लेंथ कर देंगे इसके बराबर। उसके बाद फिर कट करेंगे, यहाँ पे हमने फिर लेयर पे जाना। लेयर पे जाने के बाद यहाँ मीडिया पर जाएँगे। मीडिया पर जाने के बाद अभी हमने यहाँ पर जाना। अभी हमने यहाँ पर एक पार्टिकल वीडियो हमने वो ऐड करनी है, तो वो हमारे कौन सी हमने इसको ले लेना। तो ये भी मैं इसका भी लिंक साथ ही है, ये भी लगा लें। अभी इसको अर्गा पड़ा, यहाँ फुल स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ जाना 3 डॉट पे और इसको कर देना स्क्रीन टू बैक। ये स्क्रीन टू बैक करेंगे, यहाँ ऊपर आए, यहाँ इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये ब्लेंडिंग आएगा। ब्लेंडिंग के बाद हमने इसको कर देना स्क्रीन। जैसे स्क्रीन करेंगे तो हम आएँगे थोड़ा पीछे। अभी इसको थोड़ा सा और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ कट करना है। कट करने के बाद फिर लेयर पे जाना और फिर मीडिया पे जाना और फिर हमने वहाँ से एक PNG डाउनलोड की होगी, वहाँ से आपने इसको ले लेना। चलो मैं इस PNG को यहाँ से ले लेता हूँ। अभी थोड़ा इसको बड़ा करेंगे, यहाँ बड़ा करने के बाद थोड़ा करेंगे रोटेट। यहाँ पर रोटेट करने के बाद थोड़ा सा नीचे ले के आएँगे यहाँ पर। जैसे हम यहाँ पर ले के आएँगे और इसकी भी जो लेंथ है वो हमने इसके बराबर कर लेने, जितनी हमारी ये दूसरी सब की लेंथ है यहाँ तक ले आना है। यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद जो हमने पहली जो ये जो रेड वाली है ना, इसको करना है क्लिक। जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपने क्या करना है, स्क्रॉल करोगे तो थोड़ा नीचे आना, तो यहाँ से आपने इसको क्रोमा की कर लेना। जैसे क्रोमा की करेंगे आप तो आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर आपका कोई रेड थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है, यहाँ से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। चलो कट करते हैं। कट करने के बाद अभी देख रहे हैं, अभी आपके पास कुछ ऐसा शो हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आएंगे और आपने यहाँ पे जाना है, लेयर पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इस पे जाना है, तो ये आप वहाँ से जाके बीच में से डाउनलोड कर सकते हैं। इसको करेंगे प्रेस, प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे कट करेंगे। कट करने के बाद उसको जाएँगे सेटिंग पर। जैसे सेटिंग पर जाएंगे इसको कमर पेज भी आपने यहाँ से आपने 23 कर लेनी है और यहाँ से आपने इसकी कमो पेश भी
इतनी तेढ़ कर लेनी है, 16 इंच कर लें। तो यहाँ से आपने इसकी जो है यहाँ तक कर लेनी है 63। यहाँ पे जाने के बाद अभी आपने क्या करना है, ऐसे नीचे आएंगे तो यहाँ ब्लैक आया, यहाँ से आपने करना है इसको वाइट। जैसे वाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपने थोड़ा करना पड़ा, इसको करेंगे थोड़ा सा ऐसे। ऐसे करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद अभी आपने यहाँ से इसको पीछे ले जाना है। जैसे पीछे जाएंगे तो यहाँ से आपने कर देना इसको स्क्रीन टू बैक, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस का शो हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ कट करना है। कट करने के बाद आपने जो आपने पिक्चर लगानी है इसके पीछे, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। चलो मैं एक मरतबा फिर लेयर पे जाता हूँ, फिर मीडिया पे जाता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो पिक्चर है वो यहाँ से लगानी है, तो मैं यहाँ से ये पिक्चर ले लेता हूँ। थोड़ी करेंगे रोटेट यहाँ से, कुछ कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा। बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पर लेके जाएंगे, थोड़ा सा कम कर लेते हैं इसे, ज़्यादा बड़ी हो गई है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आना तो इसको भी हमने स्क्रीन टू बैक कर लेना है। यहाँ 3 डॉट पे जाएंगे, स्क्रीन टू बैक कर लेंगे। जैसे स्क्रीन टू बैक करेंगे तो ये कुछ ऐसी शो हो जाएगी यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, इसको अभी हमने एक फैक्ट देना है। तो आपने अभी क्या करना है, यहाँ पे आना। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको फैक्ट कौन सा देना है, मैं आपको यहाँ से इसका जो फैक्ट है वो बता देता हूँ कौन सा देना है आपने। आपने इसको फैक्ट देना है, ये जैसे फैक्ट देना है इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें, थोड़ा सा जूम करना है, जूम कर सकते हैं। यहाँ पे लाने के बाद आपने क्या करना है, करना है कट। कट करने के बाद पीछे जाएंगे, पीछे जाने के बाद अभी मैं आपको चला के ये बताता हूँ ये कैसी है। ये देखें, आप इसके ऊपर कोई भी सॉन्ग लगा सकते हैं, कोई भी आप बना सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। और इसकी जो इन सब की जो लेंथ है आपने इसके बिल्कुल ऐसे बराबर कर लेनी है। जैसे जैसे करते जाएंगे इसकी लेंथ इन सब की आपने यहाँ से इसके बराबर करते जाना है। तो यहाँ से यूँ करते जाना है यहाँ पे। जैसे आप वहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे सभी मटेरियल को, तो यहाँ से इसका जो जो बैकग्राउंड सॉन्ग है ना वो यहाँ से ऐड हो जाएगा, इसका ये सॉन्ग। तो यहाँ से कट करेंगे, कट करने के बाद पीछे जाएंगे तो अभी इसको सॉन्ग को लेके आते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ पे आने के बाद जो इसका ज़्यादा साउंड है इसको कर देंगे हम यहाँ से कट, यहाँ पे कट कर देंगे। चलो अभी मैं आपके आपको फुल चला के इसको दिखाता हूँ। मुझे तो लगता है ना शायद तेरे दिल की दुआ हो। और बड़ा मेहरबानी अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो नीचे प्यारा सा कमेंट कर देगा। तो चलो अभी हमने इसको सेव कैसे करना है, यहाँ पर आइकन में जाएंगे। आइकन में जाने के बाद यहाँ से हमने फुल HD करना है और इसको नीचे सेफ ने वीडियो कर देना। चलो मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ। तो जब तक सेफ हो जाती है वीडियो तो हम मिलती है अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।